गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं हूँ आपका होस्ट, आपका दोस्त असलम सोनू, और हिंदी में जाने आपकी बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज मैं आपको विंडोज़ 10, विंडोज़ 7 और जो भी आप विंडोज़ यूज़ करते हो उसमें एक्चुअली होता क्या है, कभी कभी जो आप कोई भी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ देखना चाहते हो तो उसमें आपको थंबनेल शो नहीं होता है। तो मैं आपको शॉर्टकट में बता दूँ जो थंबनेल शो नहीं होता है, जैसे कि मैं अपना फोल्डर खोल के दिखा रहा हूँ। कोई सही फोल्डर ले लेता हूँ मैं यहाँ से। इसमें कोई भी मतलब फोल्डर में कोई भी मतलब ये शो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसे शो करवाने के लिए वो करना क्या है वो आपको बताऊंगा, लेकिन फर्स्ट मैं आपको दिखा दूं। जैसे कि ये आप देखना चाहते हो तो इसे डबल क्लिक करने के बाद ही मैं इसे ओपन कर पाऊंगा। अदरवाइज़ होता क्या है, आप जैसे कि बहुत सारे फ़ोटोज़ हैं और उसे आप एक मतलब उसे थंबनेल देखना चाहते हो, तो सिंपल सी है। आप कोई भी सारी विंडोज़ यूज़ करते हो तो इसके लिए जो है आपको सबसे पहले कोई सेटिंग नहीं करना है, आपको ओपन फाइल में ओपन करना है। अदरवाइज़ आप फाइल अगर कोई सारी फाइल जैसे मेरा ऊपर में फाइल है ये न्यू फोल्डर 2, तो मैं इसे ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद जो है आपको सिंपल सी आपको करना क्या है, सबसे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो आप जो है नीचे लाल घंटे दबा करके सब्सक्राइब कर लें और जो है बेल बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि अगर आप बेल बटन दबाएंगे तो आपको जो है हमारी तरफ से पूरी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और मैं आपको हर रोज़ एक न्यू वीडियो अपलोड करता हूँ जिसमें कि आपको विंडोज़ जो भी मतलब मोबाइल और मोबाइल के रिगार्डिंग, ऐप्स के रिगार्डिंग और साथ साथ जो है मैं आपको लैपटॉप के रिगार्डिंग मैं आपको जानकारी देता रहूँगा। और इससे पहले भी मैंने काफ़ी सारी वीडियोज़ पोस्ट की है, विंडोज़ 10 गेस्ट यूज़र कैसे बनाएं, वेबसाइट कैसे बनाएं, ऐप कैसे बनाएं, तो आप वहाँ पर विजिट भी कर सकते हो। चलिए अब मैं आपकी ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ और मैं आपको स्टार्ट करता हूँ। तो इसके लिए जो है आपको सिंपल सी आपको ये ऊपर में दिख रहा है व्यू पे, मेरा अभी यहाँ पे कर्सर शो हो रहा है आपको व्यू पे, ठीक है। सिंपल से इस पर क्लिक करना है व्यू पे और उसके बाद जो है सबसे लास्ट ऑप्शन में आना है जो कि ऑप्शन वाला पे क्लिक करना है। ऑप्शन वाले पे जहाँ पे मेरा कर्सर है अभी आप चेक कर देख पा रहे होंगे, तो ऑप्शन वाले पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है आपको ऐसा शो होगा, ठीक है। इसके लिए जो है आप ऑप्शन वाले पे क्लिक करने के बाद जो है आपको देखने को मिलेगा फोल्डर ओपन खुलेगा जिसमें लिखा होगा फोल्डर ऑप्शन के नाम से ओपन होगा, ठीक है। तो उसके जो है कुछ नहीं करना है, आपको तीन ऑप्शन मिलेगा इसमें, जनरल, व्यूज़ और सर्च। तो आपको जो है सेकेंड वाले ऑप्शन जो बीच वाला जहाँ पर मेरा कर्सर शो रहा है वहाँ पर व्यूज़ वाले पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है आपको फोल्डर व्यूज़ जो भी मतलब आपको यहाँ पर दिखाई देगा, तो आप सबसे जो एडवांस सेटिंग में आएंगे नीचे में आपको जो फाइल्स एंड फोल्डर्स का एक ऑप्शन मिलेगा जिसमें आपको यहाँ पे फर्स्ट ही ऑप्शन है ऑलवेज शो आइकन एंड नेवर थंबनेल्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये वाली जो इस पर हमको राइट क्लिक लग जाता है। कभी कभी एक्चुअली होता है कि आपके लैपटॉप मतलब कोई छेद या मतलब आप खुद से ही कभी कभी हो जाता है, जो कि पहले शो होता था मेरे फोन मतलब मेरे लैपटॉप में भी, अब शो नहीं हो रहा है जैसे अभी, तो ठीक है। तो आपको जो पहले वाले जो क्लिक लगा हुआ है फाइल्स एंड फोल्डर का, इस पर जो है क्लिक को अनक्लिक करना है, ठीक है। चेक को अनचेक कर देना है और जो फर्स्ट वाला कर्सर वाला जो ये जो है आपको जैसे मैंने ये अभी चेक लगा हुआ है, देखिए यहाँ पे जहाँ मेरा कर्सर है यहाँ पे जो है अभी आपको ऑलवेज शो आइकन्स एंड नेवर थंबनेल्स वाले पे जो है अनक्लिक करना है। जैसे अभी क्लिक है, अगर क्लिक होगा वहाँ पे इसलिए आपको जो थंबनेल शो नहीं हो रहा है, जैसे आप अनक्लिक करेंगे उसके बाद जो है आपको सबसे नीचे में अप्लाई पे क्लिक करना है। अप्लाई पे जैसे क्लिक करेंगे, अप्लाई पे क्लिक करने के जो है तुरंत बाद आपको वहाँ पे शो हो जाएगा आपके जो भी फोल्डर्स में जो भी फोटोज़ होंगे, उसके बाद जो है आपको डन कर देना, ओके कर देना है, ठीक है। देखिए गाइस, आपकी जो है ये 2 से 2.5 मिनट्स में मैंने आपको जो है एक सिंपल सी ट्रिक्स के थ्रू मैंने आपको बता दिया। एक्चुअली होता है कि काफ़ी बार आपको जो है किसी मतलब सॉफ्टवेयर जो भी मतलब ये हैं तो उसे आपको सही करवाना होता है। अगर आपको कुछ जानकारी मिली हो इस वीडियो से तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइज़।